भारत और रूस के बीच एक करार और उड़ जाएगी पाकिस्तान की नींद। इस सौदे से पहले से तिलमिलाए बैठे पाक के नए नवेले प्रधानमंत्री इमरान खान की नींद हराम हो जाएगी। बात बात पर परमाणु हमले की हूल देने वाले पाक को इससे बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की ताकत अब इतनी बढ़ने वाली है जिस तक पहुंचना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं। इस बीच दोनों देशों के बीच लंबी दूरी के S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर लगभग सहमति बन गई है। इस सौदे पर इसी हफ्ते फाइनल मुहर लग सकती है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई हैं। S-400 दुनिया की सबसे प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मनों की मिसाइल रोकने का काम करता है। इसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम होता है, जिसे नेवी के मोबाइल प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। भारत को बिल्कुल आधुनिक S-400 मिलेगा, जिसमें उच्च स्तरीय SAM और 40N6E है। 40N6E का अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर है और ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने लक्ष्य को भेद सकता है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि S-400 के आने से भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी, जिसके बाद पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसके बाद भारत पाकिस्तान के ऊपर और भारी पड़ जाएगा। भारत ने रूस के साथ ये सौदा इस शर्त पर किया है कि वो ये हथियार पाकिस्तान को नहीं देगा, और अगर पाकिस्तान को ये रूस से नहीं मिला तो पूरी दुनिया में फिलहाल इसका कोई विकल्प मौजूद नहीं है। साथ ही फटेहाल पाकिस्तान अभी जिस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, ऐसे में उसमें ये खरीदने की क्षमता भी नहीं है। हालांकि भारत रूस के इस सौदे से अमेरिका भी नाराज है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भारत रूस के S-400 की जगह अमेरिका के थार का सौदा करे, यानी इस सौदे के लिए भारत को अमेरिका की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। जब चीन ने रूस से S-400 खरीदा था तो अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत के ये सौदा करने पर वो ऐसा नहीं करेगा, ये सोचना गलत होगा। यानी भारत को इस सौदे के लिए अमेरिका की नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी, लेकिन भारत इस डर से पीछे नहीं हटेगा।